मनी 30% होगी, यानी कुल 40% देने पर लीज डील हो सकती है, कब्जा मिलेगा। सर बिल्डर कॉमर्शियल और तीसरा टाउनशिप। टाउनशिप भी एक तरह का बिल्डर का ही प्लाट है, वो हाउसिंग का प्लाट है, तो उन्हें अब 40% पैसा लेने पर ही हम करेंगे लीज डीड करेंगे, कब्जा तभी मिलेगा। पहले 30 था सर, पहले 30 था, और पहले वो 8 साल की किस्तें थी, वो घटा करके 5 साल की कर दीजिए, 6 माह ही 10 किस्तें। पहले 8 साल की थी, 16 किस्तों में थी, वो अगर ये घटा करके 5 साल की 10 अर्धवार्षिक किस्तों में कर दिया गया, आपने लीज कर दिया, इंस्टेड ऑफ 8-5 हो गया, और 30% पे कर्जा देते थे तो 40% दे दिया, लेकिन 40% केवल कॉमर्शियल ग्रुप हाउसिंग और टाइम, बाकी रेजिडेंशियल में, इंडस्ट्री में, मिक्स लैंड यूज में, बिल्टअप हाउसेज में भी 5 साल रहेगा टोटल प्लान, लेकिन 10% रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा और 20% अलाटमेंट मनी के बाद इंजीड हो जाएगी, यानी वहाँ जो स्कीम से यथावत रखी गई है केवल ग्रुप हाउसिंग के लिए और बिल्डर प्लाट के लिए बढ़ाई गई। अवधि सब अब 5 साल की होगी, क्योंकि 8 साल की देयता की अवधि बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से बहुत डिफॉल्ट होते थे और रिकवरी में प्रोसेस में बहुत दिक्कत आती थी, तो उसको सुगम बनाने के लिए इसको 5 साल किया गया। एक जेपी को एसडीजेड में हम लोगों ने भी सेटलमेंट किया था, उन्होंने 1 से 8 करोड़ रुपया उनको देनदारी देनी है, उसके लिए उनको 1 महीने का समय दिया है, अगर 1 महीने के अंदर 31 दिसंबर तक वो देनदारी नहीं करेंगे तो प्लांट निस्तीकरण और सारी कोएस्टिव एक्शन उनके खिलाफ की जाएगी। 1 से 8 करोड़ की किस्त देनी थी, तो डिफॉल्ट किया है उन्होंने, वो किस्त देने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, और उसको ना देने की दशा में ऑल कोएस्टिव एक्शन देखें इंक्लूडिंग कैंसिलेशन अब भी था। कितनी लैंड में 1000 हेक्टेयर का एसडीजेड है, जो कि इसमें फार्मूला 1 बना हुआ है। एक प्रस्ताव के जरिए हम लोगों ने बिल्डर काउंसिल और ग्रुप हाउसिंग योजना के आवंटियों को आंशिक कार्यभूत प्रमाण पत्र देने का, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा ने किया था कि जितना पैसा किसी बिल्डर का जमा है उस पैसे का टोटल जितना जमा है उसमें 10% घटाते हुए 90% जो पैसा जमा है उसके सापेक्ष जितने भी फ्लैट या प्लाट या जितने भी एरिया का या जितने भी टावर का कंपनसेशन दे सकते हैं वो दे देंगे। वो प्रक्रिया नोएडा ग्रेटर नोएडा की यमुना में भी अडॉप्ट कर ली गई है, तो जो टोटल जमा धनराशि है किसी भी बिल्डर द्वारा उसका जमा टोटल जमा धनराशि के सापेक्ष प्रोपोर्शनेट समानुपातिक रूप से जितना आंशिक कंप्लीशन जारी हो सकता है वो जारी होगा, और उसमें जो आवंटी जिनको कब्जा मिलेगा उनकी ट्राईपार्टाइट लीज भी हो सकेगी, जैसे कब्जा वास्तव में तभी होगा जब ट्राईपार्टाइट लीज हो, तो लीज की भी सुविधा उनको अनुबंध होगी, और यह उत्तर प्रदेश में जो बायर्स को जो कब्जा जलाने के लिए बायर्स बिल्डर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो नीति है जो शासन द्वारा की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उसके तहत ये दोनों प्लेटफॉर्म ने किया था, उसको हमारे बोर्ड ने भी स्वीकार कर लिया। एक यमुना एक्सप्रेस वे अपने लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए एक फ्यूल फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप की और एक होटल की एक योजना लाने जा रहा है। फ्यूअल फिलिंग स्टेशन सेक्टर 18-20 जहाँ की हमने कब्जा देना शुरू कर दिया है, 47 MMT को कब्जा दे दिया है और 5000 को 31 दिसंबर को देंगे, 5000 को 31 मार्च को देंगे, वहाँ पर 4 फ्यूअल फिलिंग स्टेशन है, क्योंकि जब लोग आएंगे तो वहाँ पर सारी जो फैसिलिटी भी होनी चाहिए, और होटल के लिए प्लाट हम सेक्टर 29 में ला रहे हैं जो कमर्शियल बेल्ट है एक्सप्रेस वे के पहलू सेक्टर 29 में, उसमें हम लोग 12 होटल के कोकन और 7 फ्यूअल फिलिंग स्टेशन की योजना लाएंगे, जिससे प्राधिकरण को लगभग पहले चरण में 186 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। एक हम लोगों ने सभी जो आवासीय योजनाओं में जिनको हम कब्जा दे रहे हैं 2009 की सीट में, उसमें हमारे यहाँ एक हमने पिछले बोर्ड में बैठक में 2 महीने के स्थान पर लीज भी कराने के लिए 6 महीने का समय दिया था, 6 मंथ टाइम दे दिया था, अगर कोई आदमी 1 साल तक भी लीज डीड नहीं कराएगा तो 1% पेनाल्टी लगती थी और दूसरे साल 2 साल लगती थी, उसको समानुपातिक रूप से बोर्ड ने कर दिया कि अगर क्वार्टरली कर दिया कि अगर एक मतलब मान लीजिए किसी को 1 महीना बाद करा रहा है, 1 साल 1 महीना हो गया तो उससे 1 क्वार्टर का ही लगेगा, पूरे साल का नहीं लगेगा, अभी तक था कि 1 दिन भी एक्स्ट्रा हो जाता था तो पूरे साल का, तो उसको
तिमाही कर दिया, तिमाही गणना गलत होगा, यानी कि अगर डिफॉल्ट होता है तो उसको पूरे साल का पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसको उस तिमाही का जिसमें वो जमा करेगा उस तिमाही तक ही देना पड़ेगा।